गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी लांबा ब्लॉग्स में फिर मिल रहे हैं हम गोवा के थर्ड डे और मैं अभी जा रही हूँ मोपा एयरपोर्ट और अपनी कार के साथ सिद्धार्थ जी को लेने के लिए सो आई एम सो रेडी एंड सो एक्साइटेड गोइंग टू एयरपोर्ट और सो अभी अभी हम ले मिलेंगे अभी मुझे लग रही है थोड़ी सी भूख और मैं थोड़ा सा कुछ खाऊंगी उसके बाद मैं जाऊंगी सीधा मोपा एयरपोर्ट सो ये है गोवा का रोड और मैं कौंदुलिन से अपना कुछ खाने के लिए जाऊंगी उसके बाद फिर मैं मोपा एयरपोर्ट जाऊंगी और ये मेरी सेल्फ कार एंड सेल्फ ड्राइविंग और मज़ा आ रहा है बहुत और अगर कुछ बाइंग चांस में से मिस्टेक हो जाए यार कुछ वर्ड्स में तो प्लीज़ यार माफ़ कर देना यार जो आता है वो आपकी खुशी के लिए मैं बोल देती हूँ बस सो अभी कुछ खाते हैं भूख लग रही है बहुत तेज़ वाली फिर मिलते हैं दोबारा से रेस्टोरेंट में और मैं यहाँ पर रुकी हूँ अभी इस रेस्टोरेंट के पास और ये रेस्टोरेंट है इस चर्च के पास कौंदुलिन के पास और मेरा है गोवा का थर्ड डे और आज है गर्मी आपको मेरे फेस से देख के पता चल रहा होगा कितना स्वेट हो रहा है मेरे को और बहुत गर्मी लग रही है और मुझे बर्दाश्त भी नहीं हो रही है पर मैं बर्दाश्त कर रही हूँ और मुझे लग रही है भूख अभी फटाफट टेबल पर कुछ खाने के लिए आ गया मैंने ऑर्डर कर दिया है फाइनली मेरा डोसा आ चुका है और इनके पास अभी इडली और वड़ा नहीं था तो मैंने डिसाइड किया कि मैं डोसा खाऊंगी तो मेरा डोसा आ चुका है और मैंने मंगवाया साथ में वाटरमेलन जूस और साथ में मज़े लेते हैं अब इन दोनों चीज़ों के साथ सो मैं टेस्ट करके बताती हूँ ये दोनों चीज़ें कैसी लगी मेरे को इसकी चटनी एंड सांभर यम्मी क्योंकि मैंने यहाँ से पहले भी खाया हुआ इसलिए मैंने बता दी कि ये इसका डोसा बहुत अच्छा है यहाँ का लवली मज़ा आ गया सो मैं भी खाती हूँ इसके बाद फिर मिलती हूँ और ये आ गया है मेरा वाटरमेलन जूस जो कि साथ में मैं पीने वाली हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा आज गला ठीक नहीं है और हेल्थ के लिए वाटरमेलन जूस अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी है यू नो फाइनली मैं यहाँ से निकल गई हूँ और डोसा इतना यम्मी था मज़ा आ गया मज़ा तो डोसा और वाटरमेलन जूस मज़ा आ गया अब मैं निकल रही हूँ एयरपोर्ट की तरफ और ये रही कार अगेन वंस अगेन और लाल परी और उसके बाद फिर हमने मिलते हैं मोपा एयरपोर्ट डायरेक्ट सो ये मैं पूछ रही हूँ एयरपोर्ट मोपा के यार ये एयरपोर्ट बहुत सुंदर है सीरियसली बहुत सुंदर एयरपोर्ट बना हुआ है क्योंकि मैं इस एयरपोर्ट पर फर्स्ट टाइम आई हूँ तो जो दूसरा एयरपोर्ट है जो मिल्ट्री एयरपोर्ट है उससे बहुत बहुत सुंदर और मज़ा आ रहा है ये आए हैं सिद्धार्थ जी और सिद्धार्थ कैसा लग रहा गोवा के और ये सरप्राइज देकर कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है बस और कुछ नहीं बोलना और ये निक्कर में दिल्ली से निक्कर में अच्छा अभी चेंज किया ओहो इतनी गर्मी हेलो हेलो कैसे लग रहा है आपको बहुत अच्छा बहुत अच्छा फील लाइक गुड 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 फिलहाल वंस अगेन मैंगो कैरी सेकेंड डे बागा बीच वाओ इसके बिना मैं रह नहीं सकती बिल्कुल भी सो बागा बीच पे और यहाँ पर हूँ मैं और मैंगो कैरी के साथ ये जाती हुई बागा बीच की ओर और ये स्टार्स वाओ यार क्या अमेजिंग लग रहा है सुपर्ब सो राइट नाउ आई एम इन सेंट रेस्टोरेंट है और ये क्लब एक छोटा सा कैफे भी है और यहाँ पर फैसिलिटीज बहुत अच्छी है और अभी मैंने प्राउन्स खाए हैं वो बहुत बहुत यम्मी है अभी मैं आपको दिखाऊंगी उसकी पिक्चर भी और ये है बागा बीच के प्रॉपरली और इसका ये व्यू है और इसका सेटअप है मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो बहुत 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 मज़ा आ रहा है सिद्धार्थ मसाज तो सिद्धार्थ हाउस योर फील लग रहा है मैं इसलिए आया था गोवा और ये कर रहे हैं राठौर मसाज तो राठौर आपका क्या कहना है भाई ए आई है प्राउन्स और ये है सिद्धार्थ की प्लेट जो सिद्धार्थ खाने वाले हैं अभी सिद्धार्थ खा के बताओ कैसा लग रहा है कैसा रिव्यू दोगे होटल से रेडी होकर ड्यास के लिए राइट यस सो अभी हम लोग जा रहे हैं ड्यास उसके बाद आपको मैं वहां का दिखाऊंगी व्यू
अमेजिंग वाला व्यू देखो, और ये कैसा लग रहा है, और इसकी ये VIP टेबल्स हैं, और पर हम लोग तो दो जने थे इसलिए हम लोगों ने ये टेबल नहीं लिया, बट सच्चा अमेजिंग व्यू। और ये ऊपर एक कैफे ऊपर बैठे हुए लोग हैं, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ एक सेकेंड। ये देखो ऊपर चल रही है पार्टी इस साइड भी, और ये पूरा ड्यास, और ये मेरे ऊपर है एक टेबल। ओ ये क्लब का आपने व्यू देख ही लिया है और यहाँ पे सब देख भी लिया है। ये ड्यास है और ये है आपका अंजुना बीच के पास, ठीक है। और आप ड्यास सर्च करोगे तो नेचुरली वो आ जाएगा आपके गूगल लोकेशन पे, जब आप गोवा जब भी पहुँचोगे। अमेजिंग क्लब है, अमेजिंग। सिद्धार्थ आपको कैसे लग रहा है आपको आके? लोकेशन तो बहुत अच्छी है, बट यहाँ पे फूड ट्राई करना है, कैसा है? अच्छा फूड ट्राई करना है, तो फिर फाइनल मैं दे पाऊंगा ओपिनियन अपना कि कैसा है, लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पर आए नाचोस एंड सालसा सॉस, यहाँ की सालसा सॉस बहुत अमेजिंग है, मतलब नाचोस का इतना मजा नहीं है जितना सालसा सॉस का यहाँ पर मजा है। रियली बहुत टेस्टी है, जब भी आओ तो प्लीज यहाँ पर आके सालसा सॉस एंड नाचोस जरूर खाना यार। अभी आए हैं ये फिश प्राउंस, और साथ में है क्या बोलते हैं आपका फ्रेंच फ्राइज और वेजीज। अभी सिद्धार्थ को लग रहा है कैसा, सिद्धार्थ बता दो प्लीज। आई एम लविंग इट। यू लव इट रियली? यस आई एम लविंग इट। ओह वाओ नाइस। पर तुम्हें पहले जो तू जो पहले बोल रहे थे वो बोलो, रोना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा गरम गरम खा लिया तो मेरे आंख से आंसू निकल गए थोड़े। सिद्धार्थ बोल रहे मैं रोना चाहता हूँ प्लीज। हाँ हाँ, तो मेरे से थोड़ा सा ज्यादा गरम हो गया तो मुझे ऐसा लगा मेरे आंसू बाहर आ जाएंगे। सो यहाँ पर टेक्निकली इशू और जो साउंड नहीं चल रहा है यहाँ के लोकल लोक बंदों का इशू। सो यहाँ पर ये हो रहा है इंजॉय, एक बॉय और एक गर्ल कर रहे हैं फायर। सो हो रहा है यहाँ कंटेम्प्रेरी आर्ट, वाओ बहुत सुंदर लग रहा है विदाउट म्यूजिक, बट जो भी है बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ अपने होटल, बिकॉज वहाँ पर ड्यास में एक्चुअली थोड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा आज। वहाँ के लोकल बंदे धरना लगा के होटल कैफे के बाहर ही बैठे हुए थे। सो वेरी बैड एक्सपीरियंस, क्योंकि वहाँ पर साउंड नहीं चल रहा था और वहाँ के लोगों की डिमांड थी बच्चों के एग्जाम्स हैं और यहाँ पर हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये है वो है, डॉक्टर्स तक बैठे हुए थे यार। सो वहाँ पर मैं वीडियो तो नहीं बना पाई, क्योंकि अगर वीडियो बना दी तो बोलते हैं भाई ब्लॉगर एक वीडियो बना रहा है तो कहाँ कहाँ तक मेरी बात जाएगी। सो अब हो गया मेरे सोने का टाइम, अब मैं सोने वाली हूँ एंड गुड नाइट। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना और कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूलना गाइस। लव यू गाइस।